नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जितनी बातें हम अपने शब्दों के जरिए करते हैं उससे ज्यादा हमारा शरीर बोलता है। हमारा पोस्चर, हमारे हाव भाव, हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे मन में चढ़ रहे विचारों को बता देते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें बॉडी लैंग्वेज की भाषा समझ में आए। और इसीलिए हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं किसी सेलिब्रिटी के शरीर की भाषा। आज हम बात करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज की। तो क्या कहती है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की शरीर की भाषा? क्या जो उनके मन के अंदर चल रहा होता है वही उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बाहर होता है? ये हमें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट पीएस राठौर। मिस्टर राठौर, स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो एज अ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, कैसे देखते हैं आप नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को? बॉडी की जो कम्युनिकेशन का पावर होता है वो नरेंद्र मोदी जी अपने आप में बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो बॉडी कम्युनिकेट करता है, जिस तरह से हमारा मूड है या हमारा एटीट्यूड है या हमारा मैसेज जो हम देना चाहते हैं या जो हम अंडरस्टैंड करते हैं एनवायरमेंट को माइक्रो एंड मैक्रो बोथ लेवल पे या जो हमारा स्टेटस है, इन सभी चीजों को मोदी जी अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना जानते हैं थ्रू द बॉडी अलोंग विद द टोनालिटी। देखिए, टोन इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज। सो मोदी जी यूजेस बोथ टोन एज वेल एज द पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पॉज एंड एवरीथिंग। एंड दैट्स द रीजन, जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लोग सुनते हैं, लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। ही इज अ मास्टर है बॉडी लैंग्वेज की लैंग्वेज में, और जो उनके अंदर चल रहा होता है उसको किस तरह से बाहर लाना है अपने बॉडी पार्ट को यूज करके बखूबी जानते हैं। मोदी की बॉडी लैंग्वेज की पड़ताल तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले जानते गुजरात की जनता क्या सोचती है मोदी की शरीर की भाषा के बारे में। जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तब इनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। कोई मीटिंग ऑफिसर्स के साथ जो मीटिंग होती है तब इनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। दिल की जो बात होती है वो नहीं बोल सकते, लेकिन पहले से सोची हुई जो बातें होती है वो बोल रहे हैं। उनकी लैंग्वेज हर जगह पे देखो, वहाँ पे उनका घमंड के साथ होता है। जब वो झूठ बोलना चाहते हैं तब उनके फेस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, खास करके उनका जो चश्मा जो है वो अच्छी तरह से करते हैं। किसी दादू महाराज ने उनको बोला होगा कि आप बाल बढ़ाइए तो दूसरी बार भी सीएम बन सकते हैं। तो आम लोग अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि मोदी के शरीर की भाषा क्या कहती है, एक्सपर्ट से भी जानते हैं। जो भी यहाँ आम लोग जो हर दिन उनको देखते हैं उस तरह से अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इस बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं मोदी की अपनी भाषा जो मोदी जी बोलना चाहते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे कुछ बातें सच भी है कि अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को चेंज करते हैं, चूंकि इनका विजुअल चेंज। आमतौर पर मोदी जी एक इंट्रावर्ट व्यक्ति है, ये एक्स्ट्रावर्ट नहीं है, इंट्रावर्ट है और बहुत रिजिड है। ये अपने चीजों के लिए बहुत रिजिड है, और ये बहुत रिजिड वही लोग होते हैं जो इंट्रावर्ट होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रोवर्ट तो मूव ऑन कर जाएगा, ये मूव ऑन नहीं करते। और यही बात वहां की आम जनता भी पकड़ रखी है, समझ रखी है, जो कि बहुत एक साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग है मोदी जी की। बिल्कुल। वैसे नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं अपने बेपरवाह अंदाज के लिए, दुनिया चाहे जो कहे किसी की परवाह नहीं जैसा एटीट्यूड कैरी करने के लिए। जो चाहते हैं वो करते हैं, जिससे जैसे चाहे वैसे मिलते हैं, कोई हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाए तो हाथ जोड़ लेते हैं। नेताओं से मिलते वक्त क्या कैसी होती है उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्लिप के बाद उस पर बात करेंगे। कैसे मिलना है मोदी बखूबी जानते हैं, और हम देख रहे हैं कि जब जिससे उन्हें जैसे मिलना होता है किसी से गले मिल रहे हैं तो किसी से हाथ भी नहीं मिला रहे हैं, प्री प्लान्ड होता है। श्वेता देखो, बॉडी लैंग्वेज की एक सबसे बड़ी चीज होती है प्रॉक्सिमिटी। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी नॉन वर्बल लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी में चार तरह के रिलेशन होते हैं, एक इंटीमेट होता है, एक पर्सनल रिलेशन होता है, एक सोशल रिलेशन होता है, एक पब्लिक रिलेशन होता है। मोदी जी बीइंग अ मास्टर ऑफ द आर्ट, ही अंडरस्टैंड कि हमें किससे कितना जाना है नजदीक में, कितना इन्वॉल्व होना है। हम यहाँ पर देखें तो देखिए, स्माइल भी इनकी लगता है जैसे प्लान्ड है। क्या कहते हैं इनका एक्सप्रेशन? इसको भी बॉडी लैंग्वेज हम कहते हैं साइलेंस स्पीक्स। यहाँ पे जो ये साइलेंस है और जो स्माइल है वो बोल रही है, और ये देखिए मैच कर रहा है। आपने गौर कीजिएगा, वहां भी वही स्माइल है।
जल लेता है। अब दोनों के स्माइल देखिए मैच कर रहा है, अब दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन देखिए मैच कर रहा है, दोनों के नोज के पॉइंट देखिए आप वो मैच कर रहा है, एक एक चीज आईबॉल आप उठा के देखिए वो भी मैच कर रहा है। ये एक मिररिंग की एक ऐसी चीज है जहां मोदी जी इसको यूज कर रहे हैं एज ए टूल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, एज आई सेड इज अ मास्टर कम्युनिकेटर। वैसे मोदी को बीजेपी विकास पुरुष के रूप में पेश करती है, इसकी वजह है गुजरात में विकास दर। कॉर्पोरेट मीटिंग्स के दौरान क्या कहती है मोदी की बॉडी लैंग्वेज, इस क्लिप के बाद इस पर बात करते हैं। तो कोई कुछ भी कहे, भले ही कितने विवाद हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में विकास हो रहा है। और कॉर्पोरेट मीटिंग्स के समय जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, सिर्फ अपना अपना पूरा एक्सप्रेशन, पूरी बॉडी को इस्तेमाल करना बदल लेते हैं सब। श्वेता देखो, एक सबसे बड़ी चीज है, जब बार बार जब कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के कई कंपोनेंट है बॉडी टॉक के, जैसे कि साइन है, काइनेसिक है, उसके बाद काइनेसिक के बाद एक सबसे पहला पॉइंट आता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं आर्टिफैक्चुअल। किसी भी आप बॉडी टॉक के बुक अच्छे बुक में जाएंगे तो आपको नीचे मिलेगा। आर्टिफैक्चुअल क्या होता है कि आपका अटायर क्या है, आपका ड्रेस क्या है। मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं कॉर्पोरेट में जाता हूं तो मेरी अटायर, मेरे कपड़े पहनने का ढंग और लुक दोनों ही चीज़ है, उसको चेंज करने बिल्कुल कॉर्पोरेट होना जरूरी है। और इसीलिए कॉर्पोरेट में जब जाते हैं तो एक कॉर्पोरेट के टॉप ब्रांड एम्बेसडर बन के जाते हैं। तो यहाँ जो इनकी पूरा जो बॉडी है इनका बहुत इंटेंस लग रहा है, इंटेंस है। किसी कॉर्पोरेट के किसी रिप्रेजेंटेटिव से तो अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल सामने वाले के जैसा रखते हैं जो हम समझ पा रहे हैं। बिल्कुल बात करने का अंदाज ही ऐसा होना चाहिए कि अगला आपको समझ सके। जब तक लेवल सेम नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होगी। आज ये नीचे रह के बात नहीं कर रहा, फेस पे भी देखेगा, पावर इनके चिक्स पे है, पावर इनके चिक्स पे है और वो सुन रहे हैं। आज हर इंडस्ट्रीज गुजरात जाना पसंद करता है ऑन द पेपर, नॉट ऑन रियालिटी। आप देखिए, सारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रतन टाटा जी को बुलाते रह गए और कब इन्होंने जमीन दे दिया और कब क्या हुआ, रिकॉर्ड पीरियड में इन्होंने प्लांट स्टार्ट करवा दिया। एक्चुअली मोदी जब मंच से जनता से बात करते हैं उस वक्त क्या होती है उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्या कहते हैं उनके बॉडी पार्ट, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। विरोध किया, रुकावटें डालने की कोशिश की, वे गुजरात विरोधी हैं और उनको कभी माफ करना मत मेरे भाइयों बहनों, कभी माफ। खुद को एक गुजरात बना के पेश करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बॉडी टॉक और आज बात कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज के बारे में। सूबे की जनता को संबोधित करते हैं तब उनसे कनेक्ट होने के लिए किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उस पर बात करते हैं इस क्लिप को देखने के बाद। मैं गुजरात की जनता को आह्वान करना चाहता हूं, जिन्होंने इस स्वर्णिम जयंती वर्ष को अपना नहीं माना, विरोध किया, रुकावटें डालने की कोशिश की, वे गुजरात विरोधी हैं और उनको कभी माफ करना मत मेरे भाइयों बहनों, कभी माफ। बहुत कनेक्ट करते हैं। ऑनरशिप देखिएगा, आप जब भी ये इस बार की भाषण में उन्होंने जरूर दिल्ली को टारगेट किया है, इसके पहले जब भी मोदी जी लेक्चर देते हैं पब्लिक को तो मेरी गुजरात हमारी गुजरात की बात करते हैं, ये कनेक्शन वाली बात है। जितने इंटेंस मोदी जी हैं उतने ही इंटेंस गुजरात की आम जनता भी है। यही कारण है कि गुजराती कम्युनिटी में बिजनेस की एक ऐसी सिस्टम है कि वो बिजनेस में काफी आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम एक ऑनरशिप है गुजरात के प्रति वो यहां दिखाना चाहते हैं। क्या दिखा रहे हैं ये कंप्लीट फ्यूचर में क्वेश्चन आंसर है कि अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया
तो इसका मतलब गुजरात को सपोर्ट नहीं किया. जिन लोगों ने मेरे इस गुजरात रैली को सपोर्ट नहीं किया, इसका मतलब उसने मुझे नहीं, गुजरात को सपोर्ट नहीं किया. खुद को एक गुजरात बना के पेश करते हैं. इनका जो बोलने का तरीका होता है, इनकी जो वॉइस होती है, वो बहुत कॉन्फिडेंस से भरी हुई होती है. टोनालिटी इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज. बॉडी डज नॉट मीन द गेस्चर एंड पोस्चर एंड द मूवमेंट, जैसे हाथ का मूव करना, आंख का झपकना, फेस का, यही नहीं है. जो टोन हम यूज करते हैं, उसकी वेरिएशन जो यूज करते हैं, जो पॉज यूज करते हैं, इनकी बात में देखिएगा, ये बात करने के बाद ऐसे करते हैं जैसे संवाद करते हो, और बोलने के बाद चुप रहते हैं ताकि रेस्पॉन्स जाने. इसको हम बॉडी लैंग्वेज में पॉज कहते हैं. वैसे मोदी आमतौर पर मीडिया से ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो अपना बिहेवियर बेहद इनफॉर्मल रखते हैं. हंसते मुस्कुराते अपनी बात कह जाते हैं, लेकिन क्या वाकई ये मुस्कान उनके दिल से निकलती है? इस सवाल का जवाब जानेंगे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट से इस क्लिप के बाद. फिर एक दूसरे को बांट लेना ऐसा नहीं, फिर पॉलिटिकल करते तो मीडिया से बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन जब आते हैं तो बहुत बहुत हल्का फुल्का माहौल बनाकर रखते. देखिए, इन्होंने ये इनको समझ में आ गई कि मीडिया का रिस्पॉन्स किस चीज पे क्या होता है और उसको यूज करते हैं. कई लोग समझ के भी ना समझते हैं, इमोशनल कैरियड हो जाते हैं. मोदी जी इमोशनल कैरियड नहीं होते हैं, उनको पता है कि मीडिया मेरे लिए क्या कर सकती है और मैं मीडिया के लिए क्या कर सकता हूँ, और इसलिए बड़े इनफॉर्मल होकर बात करते हैं. कभी कभी मोदी खुद में खोए खोए नजर आते हैं, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग दिखती है. अपने शरीर की भाषा की तरह अपने कपड़ों में भी काफी चेंज करते हैं, कभी कुर्ते के पर हाफ जैकेट तो कभी सूट बूट और काला चश्मा. क्या वजह है, इस क्लिप के बाद उस पर बात करेंगे. बहुत खोए खोए से, अपने आप में खोए खोए से, जैसे यहाँ पर खुद से कुछ बातें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है. कम्युनिकेशन का एक मोड होता है इंट्रा कम्युनिकेशन. आप किसी भी कम्युनिकेशन के बॉडी टॉक के बुक पे जाएंगे तो आपको मिलेगा. यहाँ पे मोदी जी जब खुद में चल रहे हैं तो खुद से बात कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या दिस इज राइजिंग सन और व्हाटएवर, दिस इज फेसिंग अ सन गोइंग ऑन. एंड हर इंसान जब अकेले में होता है तो अचीवर होते हैं, जो नॉन अचीवर है जिनको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उनको तो छोड़ दो. जो अचीवर होते हैं वो इस जो शो को देख रहे होंगे, कनेक्ट भी करेंगे, जो अचीवर होंगे वो कभी न कभी शांत भाव से सोचते हैं कि मैं क्या करता हूँ. उसको हम कहते हैं इंट्रा कम्युनिकेशन. इसको एडवांस लेवल पर हम कहते हैं इंटरनल डायलॉग, जब हम खुद से खुद का परिचय ढूंढते हैं. कपड़ों की बात करें तो हमेशा व्हाइट कुर्ते में यूजुअल नजर नहीं आते, भगवा कुर्ते में नजर नहीं आते, कपड़े बदलते रहते. देखिए ऑरेंज शर्ट पे येलो ब्लैक पतंग उड़ाना, यू नो ही इज अ यूथ आइकन एंड ही एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. डरते नहीं कि मुझ पे कैसा लगेगा, क्या ये मिट जाएगी या लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं. ही डज व्हाट ही वांट्स, लोगों से नहीं. लेट मी टेल यू, मोदी की ऐसी शख्सियत है जो उनकी बॉडी का कमांड है, जो उनकी बॉडी की लैंग्वेज है, वो अपने मेकर अगर आरएसएस से भी हो तो ये डरने वाली चीज नहीं है. तो रिफ्लेक्ट क्या करता है इनका जो स्टाइल है अपना, वो लोग कहते हैं कि एटीट्यूड नेगेटिव सेंस में, मैं एज ए पर्सन लेता हूँ एटीट्यूड पॉजिटिव सेंस में. और क्या कहती है मोदी के शरीर की भाषा, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. मैंने आंख में आंख मिलाकर के उनसे कह दिया था कि अमेरिका हमें मानवता की सलाह न दे. ये न्यूज बन के निकलेगा, इस चीज को मोदी से ज्यादा कोई नहीं जानता. मैगजीन ने मोदी को सबसे ताकतवर करार दिया है, लेकिन फिर भी मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलता. इसकी वजह है मोदी की कट्टर छवि. क्या कहते हैं मोदी के हाव भाव ऐसे मामलों पर बोलते हुए, वो सुनते हैं. पाकिस्तान आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है,
भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेना चाहिए और पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों को पाकिस्तान की इन आतंकवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ एकजुट करना चाहिए। अमेरिका पर भी दबाव डालना चाहिए कि वो धूलमूल नीति न अपनाए। मैं भारत का संतान हूं, मैं भारत की प्रतिष्ठा और गौरव से जुड़ा हुआ इंसान हूं। मैंने आंख में आंख मिलाकर के उनसे कह दिया था कि अमेरिका हमें मानवता की सलाह न दे। अमेरिका ने मानवता के उल्लंघन के क्या क्या खेल किए हैं सारे मैंने उनको गिन के सुनाए। अमेरिका ने इनको वीजा नहीं दिया और कई देशों ने बिना वीजा देने से मना किया, लेकिन ऐसे दिखाते हैं जैसे इनको इसकी परवाह ही नहीं है, ये वही करेंगे जो इनका दिल करेगा। यहाँ पर अगर देखें कि एक्सप्रेशन को बोलते वक्त स्टिफ लग रहा है, डिसीजन मेकिंग है कि ठीक है इफ यू डोंट केयर फॉर मी आई डोंट केयर यू। मैं आप मेरी आपको मेरी परवाह नहीं है, मेरी भी परवाह मुझे, मैं भी आपकी परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर। ये इस बात को लेके चलते हैं और स्टिफ है। और आप कभी भी जब डिसीजन मेकिंग मोड में जाते हैं आप साइलेंस हो जाते हैं, आप कंपोज्ड हो जाते हैं, आप धीरे धीरे बोलते हैं, आप शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं और उसी मोडालिटी में यहां पे है। इसको हम और डीप में जाएं तो नॉन वर्बल में आता है क्यूज। क्यूज जो बातों का क्यू, क्यू का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, ऊपर जाना नीचे आना, ये इस क्यूज को पूरी अच्छी तरह से इसको मोदी जी यूज कर रहे हैं और ये उसको यूज करते हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये इनकी मास्टरी है, ये इनकी मास्टरी है कि किस तरह से अपनी बातों को बाहर लाना है और किस तरह से किस चीज को न्यूज में रहना और कहां हिट करना ताकि ये न्यूज बन के निकलेगा। इस चीज को मोदी से ज्यादा कोई नहीं जानता। इवन हर केस में देखा जाए तो ये मोदी जी की प्रांगत हासिल है इसमें कि मुझे कब कहां कितना और कैसे बोलना है ताकि हम इसको आगे चलते रहे। बिल्कुल, तो वैसे तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है, लेकिन कई बार मोदी कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जिससे विवादों को न्योता मिल जाता है। अभी राज्य बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मोदी ने बिहार और यूपी के बारे में भी कुछ ऐसा ही कह दिया। क्या ये बयान सोच समझ कर दिए जाते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे इस क्लिप के बाद। हिंदुस्तान ने देखा है जो राज्य जातिवाद के जहर के अंदर उलझ गए क्या हुआ। यहां किसी समय कितना शानदार राज्य था, वहां के जातिवादी नेताओं ने उस राज्य को तबाह करके रख दिया। उत्तर प्रदेश का क्या हाल करके रखा इन नेताओं ने। भाइयों बहनों, हम गुजरात के दुर्दशा नहीं होने देंगे। सहयोगी जेडीयू की वहां पर सरकार है, ये जानते थे कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वहां से वापस पलटवार आएगा, वो आया भी लेकिन फिर भी इन्होंने बोला, तो क्या सोचा समझा? ये बिल्कुल सोचा हुआ समझा। ये एक मैटर है जिसके कारण दोनों नेता न्यूज में है, एक नहीं है दोनों न्यूज में, और ये इनकी रणनीति है कि मुझे ऐसा बोलना है, एक्सपेक्टेशन है वहां से ऐसा आएगा। अब सारे लोग चिल्ला रहे हैं, ये घर में बैठ के अपना मजे ले रहे हैं, लेकिन पीएम के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, अब राष्ट्रीय राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन अगर अपने ही सहयोगियों से इस तरह से अगर मनमुटाव करेंगे तो ये जानते नहीं क्या कि इन्हें परेशानी हो सकती है। ये टैक्टिक्स होता है, स्ट्रैटेजी में हम एक वर्ड यूज करते हैं टैक्टिक्स, और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से जानते हैं। आम जनता चाहे जो भी सोचे, ये लोग स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं, तो ये इनमें मनमुटाव नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने बोला वैसे बोलना, पूरे न्यूज टाइम में 24 आवर में जस्ट एक स्टेटमेंट से 23 आवर्स इनको मिलता है, बाकी सेट असाइड हो जाता है। तो हु डज नॉट लाइक दिस, क्योंकि ये लोग थिक स्किन के लोग हैं, ये जिनको चीजें हाथ पे नहीं आती, स्किन से आके नीचे चले, क्योंकि हाथ पे लगाएंगे तो ये पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। तो मोदी वही करते हैं जो उनके अंदर चल रहा होता है और जो वो चाहते हैं। ही इज अ प्लान कम्युनिकेटर और प्लान करके सब कुछ कम्युनिकेट करते हैं, ये इनकी चीज है। और विजनरी है, इनके पास विजन बहुत तगड़ा है और इसको कम्युनिकेट करते हैं, जो उनके दिल में वो कम्युनिकेट कर देते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट की नजर में नरेंद्र मोदी मास्टर है बॉडी लैंग्वेज के। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पीएस राठौर, आप हमारे स्टूडियो में यार बताए मोदी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज की, अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के शरीर की भाषा के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।